हेलो फ्रेंड्स, क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपको किसी को ना बोलनी है लेकिन सामने वाला इंसान आपको इस तरीके से इंसिस्ट कर रहा है अपना कोई भी काम करवाने के लिए और आप सिर्फ उसका मन रखने के लिए हाँ बोल देते हो जबकि आपको बोलनी है ना लेकिन आप ना नहीं बोल पाते हो एंड बाद में आप खुद अपने आप को कोसते हो, आप रिग्रेट करते हो कि मैंने क्यों हाँ बोल दिया, राइट? ऐसी सिचुएशन क्या कभी आई है आपकी लाइफ में? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूं कि आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करनी है और आप क्या कर सकते हैं. ओके, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिग्विजय जादा और आपका स्वागत है मेरी चैनल पे. आज का टॉपिक है कि आप अगर सही में बिजी हैं और कई कामों में आप अभी इन्वॉल्व हैं और आपको किसी को ना बोलनी है तो आप क्या करें उस टाइम पे, राइट? तो उस पर हम बात करेंगे. देखो फ्रेंड्स, लाइफ में कई ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि कई लोग आपको मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके वर्क कलीग्स, आपका बॉस, कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे या तो फिर क्या आप शाम को मिलने के लिए आओगे या कोई भी ऐसा काम. इट कुड बी एनीथिंग. होता क्या है कि सामने वाला इंसान इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ आपके साथ बात करता है, कभी कभार इतना आपको इंसिस्ट करता है कि आप सिर्फ उसका मन रखने के लिए और आपको वहां अच्छा दिखना है, राइट? यार मैं कैसे ना बोलूं उसका, कैसे मैं उसका मन दुखाऊं. यार आपको बोलनी है ना लेकिन आप बोल देते हो हाँ और बाद में आप उसको इतना न्याय नहीं कर पाते हो, आप अपना काम डिलीवर नहीं कर पाते हो एंड सब कुछ चीजें मैस हो जाती है उसके बाद, राइट? कभी कभार तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपको एक सिंपल सा डायलॉग सिखाता हूं जो मैं हमेशा यूज करता हूँ. ट्राई करना, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. देखो, मैं मानता हूँ कि ऑनेस्ट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आज किसी को आप ना बोलोगे तो एटलीस्ट वन थिंग इज श्योर कि फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशंस में वो एक क्लैरिटी रहेगी. कोई प्रॉब्लम्स जो बड़े प्रॉब्लम्स होने वाले हैं वो आज 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 ही रुक जाएंगे बेसिकली. ओके, सो क्या करना है आपको फ्रेंड्स? जब भी ऐसा कोई इंसान आपके सामने आए और आपको बोले कि यार मेरा ये काम कर दो या फिर कुछ मेरे लिए ये कर दो या वो कर दो, आपको सिर्फ ये बोलना है कि फ्रेंड, अगर मैं ये कर पाता तो मैं ज़रूर करता लेकिन अभी मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में या मेरे काम में मैं इतना बिजी हूँ, मैं इतना ओवर कमिटेड हूँ कि अगर मैंने आपको हाँ भी बोल दिया तो भी मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगा एंड दैट इज़ वाई आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊँगा. बस सिर्फ आपको इतना बोलना है एंड दैट्स ऑल. सामने वाला इंसान अगर सही इंसान है, अच्छा इंसान है, आपका अच्छा फ्रेंड है, वो समझेगा. लेकिन आप अभी ऑनेस्ट रहोगे तो फ्यूचर में आपको अपने आप को डिफेंड नहीं करना पड़ेगा एंड बड़े जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो आज ही आप उसको रोक पाओगे. ओके, सो सिंपल सा डायलॉग, यार मैं आपका काम जरूर करता लेकिन मैं कर पाता तो मैं करता लेकिन मैं अभी अपने कामों में इतना बिजी हूँ कि मैंने अगर आपको हाँ भी बोल दिया तो भी मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगा लेकिन फ्यूचर में शायद मैं उस पर मैं काम करने का सोचूंगा लेकिन अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी. दैट्स ऑल फ्रेंड्स. ट्राई करो और आपके एक्सपीरियंसिस मेरे साथ शेयर करो. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.